हमारे वजीराबाद में एक अल्लामा साहब होते थे, वो तो अजीबोगरीब इंसान थे इस मामले में। उन्हें कुदरत हासिल थी हर किस्म के मजमून बयान करने में, बल्कि वो अपनी जुमे की तकरीर में जो नई दुकानें खुलती थी उनके इश्तहार भी चला दिया करते थे। लोगों ने उनका नाम अल्लामा कमर्शियल सर्विस रखा हुआ था। एक दफा वो वहां सिनेमा में नई फिल्म लगी यक्के वाली, तो वो मालिक आया उनके पास अल्लामा साहब के पास कि अल्लामा साहब ये फिल्म इस हफ्ते लगनी है जुमे को, तो आप उसका इश्तहार अपने जुमे की तकरीर में। उन्होंने कहा भी ये तो बहुत मुश्किल काम है जो तुमने मेरे सपुर्द किया है। उसने कहा जी पैसे भी माकूल होंगे बिल्कुल। चुनाचे उस जुमे को अल्लामा साहब ने जो तकरीर फरमाई उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रोजे जजा पे जोर दिया और कहा कि जो गुनाहगार हैं उनके साथ ये सलूक होगा, ये सजा होगी। जितने खौफनाक मनाजिर हो सकते थे वो उन्होंने पेश किए और आखिर में कहा कि मुझे पता है मेरी इन बातों का तुम पर कोई असर नहीं होना, तुमने यहां से सीधा फिल्म यक्के वाली देखने चले जाना। क्योंकि तुमने सुना है कि उसमें मुसर्रत नजीर के डांस बड़े अच्छे हैं, सुधीर की अदाकारी बहुत अच्छी है, तुम्हें यह भी पता है फिल्म बड़ा रश ले रही है, तुमने 3 बजे जाके लाइन में लग जाना है, मेरी इन बातों का कोई फायदा नहीं होना। तो वो अल्लामा साहब तो इसमें माहिर थे।